सो हाई गाइस, दिस कैन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैनल। तो आज की वीडियो में हम अनबॉक्स एंड रिव्यू करने वाले हैं एक वन ऑफ द बेस्ट इन ईयर हेडफोन्स, मतलब कि एयरफोन्स, जो आपको 600 रुपीज़ के अंदर देखने को मिल जाएंगी, जो है JBL वा हरमन की C100 SI। तो आज की वीडियो में हम इसी वाली एयरफोन के बारे में बात करेंगे, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस एयरफोन के बॉक्स से। तो बॉक्स यहाँ पर आपको JBL के सिग्नेचर ऑरेंज एंड व्हाइट कलर में देखने को मिल जाता है। अगर हम इस बॉक्स के फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट से आप अपनी एयरफोन्स को देख पाएंगे, और साथ ही में इसके फ्रंट साइड में आपको JBL बाय हरमन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, C100 SI इन ईयर हेडफोन्स लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। और अगर हम इसके बॉक्स के साइड्स की बात करें तो एक साइड में यहाँ पर आपको इस एयरफोन की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई देखने को मिल जाती हैं, और साथ ही में इस एयरफोन में दिए गए माइक के बारे में भी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन लिखी हुई देखने को मिल जाती है, और साथ ही में दूसरे साइड में यहाँ पर आपको हरमन इंटरनेशनल के बारे में कुछ लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, जिसको हम पढ़ने वाले नहीं हैं। और अगर हम इस एयरफोन के बॉक्स के बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में भी यहाँ पर आपको JBL बाय हरमन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, C100 SI इन ईयर हेडफोन्स लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। और साथ ही में यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि ये वाली एयरफोन आपके सारे डिवाइसेस के साथ कंपेटेबल है, और इसके बैक साइड में आपको इस एयरफोन की MRP भी लिखी हुई देखने को मिल जाती है, जो है 1299 रुपीज़। लेकिन JBL की C100 SI आपको फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे 600 रुपीज़ के अंदर देखने को मिल जाएगी। MRP तो इसकी दुगने से भी ज़्यादा लिखी हुई है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखी हुई देखने को मिल जाती हैं। तो ये है इसका बॉक्स, अब हम अपनी एयरफोन को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं इसकी पैकेजिंग की, तो इसकी पैकेजिंग आपको प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। JBL के सारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग आपको हमेशा से ही अच्छी देखने को मिलती है। तो अब अगर हम इसके बॉक्स कंटेंट की बात करें तो पहले तो हमको अपनी एयरफोन देखने को मिल जाती है, दो आपको एक्स्ट्रा एयर टिप्स देखने को मिल जाती हैं, स्मॉल एंड लार्ज साइज वाली, और जो मीडियम साइज वाली एयर टिप है वो आपको एयरफोन में लगी हुई देखने को मिल जाती है। और डब्बे में खाली यही नहीं मिलता है, आपको इस एयरफोन के कागजात भी देखने को मिलते हैं। पहले तो आप देखो, ये रहा इसका ग्रंथ, इतना बड़ा है, देख लो, ऐसा लग रहा है या तो JBL वालों ने पूरी कंपनी हमारे नाम कर दी है। और JBL के लिए खाली यही काफ़ी नहीं था, इसके साथ आपको एक और छोटा वाला ग्रंथ देखने को मिलता है, ऐसा लग रहा है जैसे तो हमने एयरफोन्स के लिए पैसे नहीं दिए, इसके कागजात के लिए पैसे दे रखे हैं। तो ये तो था इसका बॉक्स कंटेंट, अब बात करते हैं अपनी JBL C100 SI के बारे में। तो शुरुआत करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी से, और शुरुआत करते हैं इसके बॉटम से। तो इस वाली एयरफोन में आपको गोल्ड प्लेटेड 3.5 mm कनेक्टर देखने को मिल जाता है, जो आपको काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है इस एयरफोन में, और साथ ही में इसके कनेक्टर में ही आपको JBL की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। और अगर हम इस वाली एयरफोन की वायर्स की बात करें तो वायर्स आपको इस एयरफोन की सिंपल सी देखने को मिलती है, कोई भी आपको फ्लैट केबल वायर देखने को नहीं मिलती या फिर ब्रेडेड केबल देखने को नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी आपको इस एयरफोन की वायर की क्वालिटी प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, और थोड़े बहुत इस एयरफोन के वायर्स आपको टेंगल फ्री भी देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही में इस एयरफोन के बीच में यहाँ पर आपको एक स्प्लिटर देखने को मिलता है, और साथ ही में यहाँ से आप अपनी एयरफोन को एडजस्ट कर पाएंगे अपने हिसाब से। और अगर हम थोड़ा और ऊपर चलें तो यहाँ पर आपको इस एयरफोन का इनलाइन माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है, जो आपको पूरा प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी में देखने को मिलता है, जिसमें आपको JBL की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आपको एक होल देखने को मिल जाता है इसके माइक्रोफोन के लिए, और आपको एक मल्टी फंक्शनल बटन देखने को मिल जाता है। और अगर हम इसके और ऊपर चलें तो यहाँ पर आपको अपनी एयरफोन्स की एयर टिप्स देखने को मिल जाती हैं, जिनकी अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये भी आपको पूरी प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी में देखने को मिलती है, लेकिन जो प्लास्टिक इसमें यूज़ किया गया है वो आपको काफ़ी हाई क्वालिटी का देखने को मिलता है, ऐसे कोई भी चीप प्लास्टिक की फीलिंग आपको इसमें देखने को नहीं मिलती है, पूरा ये आपको ग्लॉसी और मैट फिनिश में देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको JBL की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और दोनों साइड में यहाँ पर आपको लेफ्ट एंड राइट का इंडिकेशन में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। ये एयरफोन आपको पूरी प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये वाली एयरफोन आपकी काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट हो जाती है, और लाइट वेट होने की वजह से ये वाली एयरफोन आपके कानों के लिए काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल बन जाती है, ऐसा लगता ही नहीं कि हमने कोई एयरफोन लगा भी रखी है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और कंफर्टेबिलिटी तो इस वाले एयरफोन में आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है इसके प्राइस के हिसाब से। और अगर हम इस वाले एयरफोन के कुछ स्पेक्स की बात करें तो इस वाले एयरफोन में आपको 9 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं, जिनकी अगर हम फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें तो इसके ड्राइवर्स की फ्रीक्वेंसी रेंज है 20 Hz से 20 kHz तक। स्पेक्स तो आपको इस एयरफोन के काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, क्योंकि जब आप कोई भी ऑडियो प्रोडक्ट लेते हो तो साउंड क्वालिटी आपकी मेजर फैक्टर होती है, उसी के हिसाब से आप जज करते हो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अगर मैं इस वाली एयरफोन की साउंड क्वालिटी की बात करूं तो भैया JBL की एयरफोन है, और क्या बोलूं, इस वाले एयरफोन में भी आपको JBL की सिग्नेचर साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। इस एयरफोन की मिड एंड हाई रेंज आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर मैं इस वाले एयरफोन की लोस की बात करूं तो इस एयरफोन में आपको काफ़ी बढ़िया बेस क्वालिटी देखने को मिल जाती है, मतलब भयंकर चीप एयरफोन्स की तरह इस वाली एयरफोन में आपको भरभराने वाली बेस देखने को नहीं मिलती है, इसमें आपको क्वालिटी बेस देखने को मिलती है, जिसको हम डीप बेस बोलते हैं। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से इस वाली एयरफोन में आपको भयंकर साउंड क्वालिटी देखने को मिलती है, खाली 600 रुपीज़ में नहीं, मैं तो बोलूँगा 1000 रुपीज़ के अंदर भी ये वाली एयरफोन वन ऑफ द बेस्ट साउंडिंग एयरफोन है। इस एयरफोन की बिल्ड क्वालिटी एंड कम्फर्टेबिलिटी तो आपको काफ़ी भयंकर देखने को मिलती है इसकी प्राइस के हिसाब से, लेकिन इसकी साउंड क्वालिटी तो आपको काफ़ी ज़्यादा भयंकर देखने को मिलती है,
मतलब कि खतरनाक साउंड क्वालिटी है इस एयरफोन की। ओवरऑल JBL की C100 SI आपको 600 रुपीज़ के प्राइस के हिसाब से काफ़ी भयंकर एयरफोन देखने को मिल जाती है। और अगर आप इस वाले एयरफोन के साथ गेमिंग करना चाहते हैं, वैसे गेमिंग के लिए तो बनी नहीं है ये वाली एयरफोन, लेकिन फिर भी अगर आप इस एयरफोन के साथ गेमिंग करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि खतरनाक एयरफोन है। अपने से 100-200 रुपए महंगी एयरफोन्स को भी साउंड क्वालिटी में JBL की C100 SI पीछे छोड़ देती है। ओवरऑल JBL की C100 SI काफ़ी भयंकर एयरफोन है अपने प्राइस के हिसाब से। तो इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जोड़ दबाएं। और अगर आप इस एयरफोन को बाय करने में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इस वाली एयरफोन का आपको एक अपर मॉडल भी देखने को मिलता है जो है JBL C200 SI। आप उस वाली एयरफोन को बाय मत करो, आप JBL की C100 SI को बाय करो, क्योंकि JBL की C100 SI और C200 SI में ज़्यादा आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलता है, खाली आपको कलर्स का फ़र्क देखने को मिलता है। इन सब की आपको बिल्ड क्वालिटी, कंफर्टेबिलिटी, साउंड क्वालिटी सेम देखने को मिलती है। इसलिए अपने पैसे बचाओ और इस वाली एयरफोन को बाय करो। और आखिरी में, अगर आप अमेज़ॉन से कुछ भी बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक और लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, टिल देन बाय।